सो हेलो गाइस, माय नेम इज ऋतुराज. आ रहा हूँ तो माय नेम इज ऋतुराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जियो वैली. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक इंजीनियरिंग जियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आज हम कोर जियोलॉजी छोड़ के इंजीनियरिंग जियोलॉजी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है. तो इंजीनियरिंग जियोलॉजी का एक टॉपिक है जिसका नाम है डैम्स, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे. यहाँ पे इसलिए लिखा है कि यहाँ पे कहीं पे स्पॉट आ रहा है, मुझे पता है वो लाइट का, ठीक है. तो आज का जो लेक्चर है वो डैम्स पर होगा. सो बिफोर वॉचिंग प्लीज़ प्रेस दैट रेड बटन बिलो सब्सक्राइब. सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपसे कोई भी जो वीडियो है इससे आगे मैं जो डालने वाला हूँ इसके पहले के भी आपको डायरेक्ट आपके फ्रंट पेज पे मिल जाएंगे, ठीक है. तो आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा. सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना बाकी लोगों के साथ बहुत सारे, ठीक है. तो और हमेशा की तरह जो भी डाउट्स है वो कमेंट में डाल दीजिए आप लोग. तो आपको पता ही है हर कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूँ, तो ठीक है. तो कोई भी डाउट होना होगा तो डाल देना, ठीक. तो डैम्स, डैम्स स्टार्ट करने से पहले हम पहले देखते हैं डेफिनेशन, उसके बाद हम देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ डैम. उसमें से एक जो टाइप है वो आज डिटेल में होगा, उसके बाद और तीन टाइप्स जो बचते हैं वो हम सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है. तो मतलब दो लेक्चर लग जाएंगे हमें डैम्स के लिए, ओके, ठीक है. तो डैम्स का जो डेफिनेशन है वो देखते हैं. इसमें दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है, ध्यान देना. इट इज अ सॉलिड बैरियर कंस्ट्रक्टेड एट सुटेबल साइट ऑन रिवर. तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, मैं अंडरलाइन कर देता हूं. इट इज अ सॉलिड बैरियर, सॉलिड बैरियर होगा जो कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है. कंस्ट्रक्टेड इसका मतलब क्या है कि मैनमेड है, ठीक है, आर्टिफिशियल है, मतलब नेचुरली फॉर्म नहीं हुआ है वो कोई भी, मतलब ये जो चीज़ है हम पढ़ रहे हैं इट्स नॉट फॉर्म्ड नेचुरली, ओके, इट्स कम्प्लीटली मैन मेड है. कंस्ट्रक्टेड एट सुटेबल साइट. अब सुटेबल साइट क्यों लिखा है, अब ऑन रिवर, ठीक है, रिवर पे ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है. उसके कारण देखेंगे हम, क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसका यूज़ क्या है हम लोगों को, ठीक है. सो इफ वी आर हैविंग अ रिवर, ठीक है, सपोज दिस इज अ रिवर, ये माउंटेन में स्टार्ट हुआ है और ये जा रहा है किसी समुंदर में मिल रहा है, ठीक है. तो हम कहीं पे भी कौन सी भी साइड नहीं ले सकते ना कि हाँ मन में आ गया कि यहाँ पे डैम बनाते चलिए, ऐसा थोड़ी होता है. इसके लिए सूटेबल साइट का होना ज़रूरी है. तो उसके लिए सूटेबल साइट, ये जो वर्ड है उसके कंडीशंस क्या है. सुटेबल साइट, दिस इज अ सुटेबल साइट, वेन वी कैन से पर्टिकुलर साइट इज अ सुटेबल साइट टू कंस्ट्रक्ट अ डैम. वेन, तो मैं सुटेबल साइट्स की भी डिस्कशन करूंगा आपके साथ. तो यहाँ पे याद रखने की दो चीज़ें, इट इज अ सॉलिड बैरियर कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड मतलब मैन मेड है, ठीक है, वो नेचुरली नेचुरल फीचर नहीं है कोई. एट सुटेबल साइट ऑन रिवर, ऑन रिवर आपने सुना होगा कि बैक वाटर, बैक वाटर का मतलब क्या होता है, डैम जो होता है, डैम पानी को अड़ाने के लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो डैम के पीछे जो रिजर्वायर ये होता है, स्टोर होता है पानी, उसको बोलते हैं बैक वाटर. बैक वाटर मतलब डैम के पीछे बैक साइड जो स्टोर हुआ हुआ पानी है उसको बोलते हैं बैक वाटर, ठीक है. बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं बैक वाटर देखने के लिए, पिकनिक पॉइंट बन गए हैं आजकल बैक वाटर, मतलब कपल्स भी होते हैं बहुत, कपल पॉइंट भी बन चुके हैं, ठीक है. तो वो सब सिलेबस के बाहर की चीज़ें, ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी डेफिनेशन तो समझ गया, डेफिनेशन में कोई डाउट होगा तो डाल दीजिए कमेंट में. अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डैम्स, व्हाई वी कंस्ट्रक्ट अ डैम, ओके. मतलब इतना सारा पैसा खर्च करके, बहुत सारा पैसा लगता है डैम बनाने के लिए, ठीक है. तो ये सब इतना सारा पैसा खर्च करके हमें फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना, जैसे हमने ओर जियोलॉजी में देखा था, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ओर, मतलब ज़मीन के नीचे से अगर कोई चीज़ निकालनी है तो उस पे एक्सपेंडिचर भी उतना ही होता है ज़्यादा, ठीक है. तो उसको सब एक्सकेवेट करना, वो सब मटेरियल ओवर बर्डन निकालना, फिर वो मटेरियल निकालना, उसके बाद उसमें से गोल्ड अगर गोल्ड है तो गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने का चार्जेस, तो ये सब खर्चा निकाल के अगर उस गोल्ड से हमें उतना ही मतलब पे बैक होना चाहिए ना, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम करेंगे वो काम,
नहीं तो अगर गोल्ड निकाला 100 रुपये का और खर्चा आ गया उसको 200 रुपये, तो ये मतलब इकोनॉमिकली सुटेबल नहीं है ना हमें। तो हम जब डैप बना रहे हैं तो उस साइट का पहले से बहुत सारा स्टडी किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, जियोलॉजिस्ट के द्वारा। जियोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि नीचे कोई फॉल्ट वगैरह है क्या, तो ये वहाँ पे डैम नहीं बना जा सकता क्योंकि वो साइट जो है वो डेंजरस है, डेंजरस जोन है, क्योंकि डैम जो है वो बहुत सारा पानी अपने पीछे मतलब बैक वाटर में स्टोर करता है, तो उसका इतना प्रेशर रहता है उस पर कि नीचे का जो ज़मीन है वो डिस्टर्ब हो सकता है उसके वो जो प्रेशर है उसकी वजह से। ठीक है, तो उसके लिए हम बहुत सारा प्रिपरेशन करते हैं डैम बनाने से पहले। ओके ठीक है, तो डैम बनाने के बाद हमें जो मिलेगा वापस, डैम हमें क्या क्या दे सकता है, ठीक है, डैम की यूजेस क्या है। फर्स्ट इज हाइड्रो पावर एनर्जी। हाइड्रो पावर एनर्जी जो आपने सुना होगा 10th 12th में भी बहुत सारा, एनवायरमेंटल जियोलॉजी में पढ़ा है, एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ा है कि हाइड्रो पावर एनर्जी मतलब डैम जो होता है उससे टर्बाइंस होते हैं नीचे, सपोज दिस इज अ डैम, यहाँ से पानी गिरता है टर्बाइन पे, ठीक है, ये टर्बाइन घूमता है, घूमने से ये पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, राइट। तो हाइड्रो पावर एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना इस प्रोसेस से। तो दिस इज सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी यूज है डैम का, ये किसी ने पहले से सोच के नहीं बनाया ये डैम, ठीक है, क्योंकि इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, बहुत सारा दिन सालों बरसों लगेंगे उसके लिए जितना हमने डैम बनाने के लिए ये किया है, ठीक है, इन्वेस्ट किया है। सेकेंड यूज़ इज़ इरिगेशन। मैंने जो बताया था कि बैक वाटर, ठीक है, सपोज दिस इज़ डैम, ये डैम है, ये हमारा बैक वाटर है, तो इस पानी का यूज़ हम किस किस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये पानी, दिस इज़ फ्रेश वाटर, राइट, हमें पता है कि अर्थ पर जितना भी वाटर है उसमें से 3% से कम ही है, राइट, 3% से कम फ्रेश वाटर है हमारे पास, तो फ्रेश वाटर में से 3% में से 2% आइस, पोलर आइस में ही है, ठीक है। और हमारे लिए, आदमी के लिए यूज जो होता है डोमेस्टिक पर्पज़ इरिगेशन के लिए, हम जितना भी पानी यूज़ करती है हम करते हैं, तो सी वाटर का तो नहीं कर सकते ना, सी वाटर इज़ 35 PPT पार्ट्स पर थाउजेंड, तो इतना ज़्यादा सैलिनिटी होता है, ये इरिगेशन के लिए भी यूज़ नहीं है, ये पानी हम पी भी नहीं सकते और डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सी वाटर यूज़ नहीं कर सकते तो फ्रेश वाटर का कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना, ठीक है, ग्राउंड वाटर से। कितना, इतना सारा पानी ग्राउंड वाटर से इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए, तो ग्राउंड वाटर से हम इतना क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, सही है। तो हमें डैम्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें पानी स्टोर करना है, फ्रेश वाटर जो हिमालय मतलब ऊंची जगह से रिवर बह के आ रही है तो उसको स्टोर करने के लिए हमें डैम्स चाहिए। ओके, तो डैम का मेन पर्पज़ ये है कि बैक वाटर बना देना, ठीक है, बैक वाटर में से जो पानी है वो पानी हम यूज़ कर सकते हैं वेरियस पर्पजेस के लिए हमारे। ओके, अगर नहीं बनेंगे डैम तो ये जो सारा पानी है वो रेनी सीजन में बारिश के बाद तुरंत 2-3 महीने में जाके समुंदर में जाएगा, ठीक है, फिर से वो सॉल्ट वाटर बन जाएगा, वो यूज़ नहीं कर सकते फिर। ओके, तो इसीलिए डैम का होना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो सेकेंड इज़ इरिगेशन, थर्ड इज़ डोमेस्टिक यूज़। डोमेस्टिक मतलब हम डे टू डे लाइफ में जितना भी पानी यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, घर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये सब होता है इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक यूज़। ओके, नेक्स्ट फाइटिंग ड्रॉट्स। अब हमें पता है कि इंडिया में बहुत सारा एरिया जो है वो ड्रॉट्स है, ठीक है, ड्रॉट्स मतलब दुष्काल। तो जैसे महाराष्ट्र के ईस्ट साइड में जो नागपुर भंडारा डिस्ट्रिक्ट है, नहीं तो राजस्थान, राजस्थान में बारिश नहीं जाता है, ठीक है, क्यों नहीं जाता है वो हम मानसून के चैप्टर में देखेंगे। ओके, कुछ ही दिन में मैं मानसून पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मानसून में देखेंगे हम कि राजस्थान में जो है वो वाटर क्यों नहीं है, मतलब वो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर क्यों है, ठीक है, वहाँ पे डेजर्ट क्यों है, उसी एरिया में क्यों डेजर्ट है, बाकी के एरिया में तो सब हरियाली चाहिए, ठीक है, सब देखेंगे रीज़न। ओके, फाइटिंग ड्रॉट्स, तो ड्रॉट प्रोन एरिया जो है उसमें पानी चाहिए, उनको पानी देना है ना। तो हम, आपको पता होगा कि
इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो पंजाब से, पंजाब हरियाणा और राजस्थान, ऐसे ये ट्रैक है उसका, सही है ना? दिस इज राजस्थान, दिस इज हरियाणा, दिस इज पंजाब। तो तीन राज्यों में से आता है ये इंदिरा गांधी कैनाल। यहाँ पे क्यों ये कैनाल लाने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि ये जो है वो ड्रॉट प्रोन एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा ड्रॉट रहता है हमेशा। बारिश में सिर्फ 4 महीने अगर बारिश हो गई तो हो गई, नहीं तो पूरा साल यहाँ पे ड्रॉट रहता है। तो इंदिरा गांधी कैनाल मतलब शायद चिनाब से वो जो कैनाल है वो यहाँ पे राजस्थान, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, मैं देख के बता दूंगा कि कौन से रिवर से वो स्टार्ट करके राजस्थान तक लाया गया है, ठीक है। तो इसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, मतलब अभी तक तो है, क्या पता मोदी सरकार है, चेंज भी हो सकता है। सही है कि यहाँ पे पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस का सरकार है, तो ये हरियाणा वाले चेंज करके क्या करेंगे? इतने ही पार्ट का चेंज करना पड़ेगा फिर, मजाक की बात है, ठीक है। तो इसलिए इंदिरा गांधी कैनाल क्यों बनाया गया है? तो ड्रॉट प्रोन एरिया को ये करने के लिए, वाटर, फ्रेश वाटर का सप्लाई करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे ये है, बहुत सारे टेक्निक्स है हमारे पास कि जो हम बहुत सारे एरिया में पानी ले जा सकते हैं, लेकिन डैम इज़ मोस्ट यूजफुल एंड बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा सूटेबल टेक्निक है डैम बनाना, क्योंकि डैम के पीछे हम बहुत सारा वाटर स्टोर कर सकते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। एक बड़ा रिजर्वायर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, रिजर्वायर डैम के पीछे जो बैक वाटर बनता है, ठीक है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ डैम, ओके। अब कुछ टाइप्स है डैम के, तो वो टाइप्स जो है वो कौन कौन से बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं ये देखेंगे, ठीक है। ऑन व्हाट बेसिस वी कैन डिवाइड टाइप्स डैम्स, ओके। सो टाइप्स ऑफ डैम में आएगा, बहुत सारे बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया है, लेकिन हम जो 2 लेक्चर के सीरीज में देखेंगे वो एक ही टाइप के हैं, मतलब 4 मेन जो टाइप्स ऑफ डैम हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में होगा ग्रेविटी डैम, ठीक है, ग्रेविटी डैम आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ डैम जो है उसके लिए क्या क्या चाहिए, मतलब कौन कौन से बेसिस पे हम ये कर सकते हैं? तो साइज, साइज पर डिवीजन किया है कि स्मॉल डैम्स और लार्ज डैम्स, ठीक है, ये साइज पर डिवीजन है। सेकेंड, हम डिवाइड कर सकते हैं जो मटेरियल यूज किया है, ठीक है, द मटेरियल विच इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ डैम, ओके। तो डैम जो है वो वेरियस कंस्ट्रक्शन का मतलब बहुत सारे टाइप्स के डैम्स है ना, तो मान लीजिए कि एक डैम जो है वो सीमेंट कंक्रीट से बनाया गया है, ठीक है, दूसरा जो है वो रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स यूज करके बना गया है। ऐसा भी होता है कि अर्थ मतलब अर्थ का जो लूज मटेरियल है उससे भी डैम बना सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स है, कहाँ कहाँ लकड़ियाँ भी यूज़ होती है, ठीक है, स्ट्रांग होती है वो। तो टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का डैम है। अब हम जो आज पढ़ेंगे ग्रेविटी डैम, वो जो है वो कंक्रीट और मैसनरी, मैसनरी मतलब जो पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं उसको मैसनरी बोलते हैं। तो ग्रेविटी डैम जो है वो कॉन्क्रीट, सीमेंट कॉन्क्रीट का सबसे ज़्यादा यूज़ सीमेंट कॉन्क्रीट का होता है, और मैसनरी मतलब बड़े बड़े पत्थरों से, पुराने एज में वो डैम्स जो है वो पत्थर के बनाए जाते थे, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर लेके। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। थर्ड, किस पे डिपेंड करेगा? फाउंडेशन रॉक, फाउंडेशन रॉक मतलब सपोज दिस इज अ डैम, तो ये डैम अगर यहाँ पे ग्रेविटी डैम बनाना है तो ग्रेविटी डैम के लिए नीचे जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन मतलब नीचे का जो रॉक है वो किस टाइप का चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ग्रेविटी डैम नहीं है, दूसरा कोई डैम है, तो उस डैम के लिए कौन सा फाउंडेशन सुटेबल है? सो वी नीड टू थिंक ऑल द एस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, राइट। तो ग्रेविटी डैम के लिए अलग फाउंडेशन चाहिए, कोई और डैम है तो उसके लिए अलग फाउंडेशन चाहिए,
तो फाउंडेशन रॉक कौन सा है, फाउंडेशन रॉक का स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, वहाँ पे कोई फॉल्ट मौजूद है, कोई फ्रैक्चर प्लेन है, तो उस वो सब कंसिडर करके फिर ये किया जाता है कि कौन सा डैम बनाना है वहाँ पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ डैम में मतलब शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर में, ओके। तो फाउंडेशन रॉक पे होता है मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, मतलब ये डैम बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है उस पे डिपेंड करता है। साइज़ ऑफ डैम, कुछ कुछ साइज़ जो होता है, साइज़ पे जो क्लासिफिकेशन है वो आप गूगल कर सकते हैं कि कौन से मतलब स्मॉल डैम के लिए क्या साइज़ का रेंज है, लार्ज डैम के लिए क्या साइज़ है, मीडियम डैम के लिए क्या साइज़ है, वो आप गूगल पे देख सकते हैं, ठीक है, ओके। और फोर्थ जो क्राइटेरिया है वो डिज़ाइन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ओके। डिज़ाइन कैसा है, और ये डिज़ाइन जो है वो डैम का जो डिज़ाइन है वो डिपेंड करेगा इन सब चीज़ों पे, कि जहाँ पे हम डैम बना रहे हैं वो जो रिवर वैली है वो रिवर वैली का शेप क्या है, वो ब्रॉड है, वो नैरो वैली है, ठीक है। ये सब चीज़ें ये करके डिपेंड करता है, मतलब ये सब चीज़ें हम सोच के फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन से टाइप का डैम बनाना है उस साइड पे, ठीक है। तो नहीं तो फाउंडेशन रॉक अगर वीक है और ऊपर ग्रेविटी डैम बन चुका है तो कुछ दिन में वो टूट जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी इसका वेट, ग्रेविटी डैम का वेट ये जो नीचे का रॉक है वो सह नहीं पाएगा और ये टूट जाएगा जल्दी, ठीक है। तो सुटेबल साइट इज इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द डेफिनेशन ऑल्सो, ओके। सो डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम जो आगे बात करने जा रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा बात करेंगे डिज़ाइन पे, ठीक है। तो ग्रेविटी डैम का क्या डिज़ाइन होता है, फिर आर्क डैम होता है हमारे पास, फिर बट्रेस डैम है, तो वो सब शेप कैसा होता है, ये कैसा होता है, ये सब देखेंगे हम। तो डैम्स के बारे में हमने डेफिनेशन, ये सब यूजेस वगैरह ये सब देख लिया, अब देखते हैं कि डैम का जो डायग्राम है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये जो टर्म्स लिखे हैं मैं रेड कलर में, जितने भी टर्म्स लिखे ये सब मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज स्पिल वे, व्हाट इज वेयर द हील प्रेजेंट, वेयर इज द टो, ओके, टो ऑफ डैम, तो ये सब पूछ के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं, ये क्रॉस सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ डैम, ओके। सो डैम इज लाइक दिस नाउ एंड बैक वाटर इज दिस टुवर्ड्स माई साइड, ओके। सो इफ दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ डैम, ओके। नाउ वी विल सी वन बाय वन द पार्ट्स ऑफ द डैम, ओके। फर्स्ट वन इज क्रस्ट, क्रस्ट इज द पार्ट वेयर वी कैन दिस इज द पैसेज विच वी कैन यूज टू मेक रोड्स, ओके, मेक रोड्स और वॉकवेज, ठीक है। तो क्रेस्ट का जो पार्ट है वो सबसे ऊपर रहेगा डैम के, और वो हम यूज कर सकते हैं रोड बनाने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह हो सकता है वहाँ से, क्योंकि ये रिवर के अक्रॉस बना है ना, ठीक है। सपोज दिस इज द रिवर, तो डैम ऐसे बनता है ना, तो ये इसका क्रस्ट पार्ट जो है वो यूज हो सकता है ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके लिए अलग से ब्रिज बनाने की जरूरत नहीं है, तो ब्रिज का खर्चा भी बच गया अगर इसमें ही डिजाइन करके हमने बना दिया सही से। तो क्रस्ट कैन बी यूज्ड एज रोड ट्रांसपोर्ट वेज और वॉकवेज एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो डिजाइन है ये ऐसे इसलिए किया जाता है, एक्चुअली दिस इज द डायग्राम, दिस इज द टिपिकल टिपिकल डायग्राम फॉर ग्रेविटी डैम, ओके। बिकॉज ग्रेविटी डैम जो होता है वो कॉन्क्रीट, सीमेंट कॉन्क्रीट और मैसनरी जो मटेरियल है मैंने बताया था उससे बनता है, और ये जो डैम है उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा वेट इसका होता है ग्रेविटी डैम का, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये है स्पिल वे, स्पिल वे का मतलब है कि वाटर लेवल जो है, सपोज दिस इज द वाटर लेवल, पहले ये देखते हैं नॉर्मल वाटर लेवल और मैक्सिमम वाटर लेवल, ठीक है। नॉर्मल वाटर लेवल यहाँ तक है, ठीक है। अगर अब आप मैक्सिमम वाटर लेवल देखिए, ये जो है स्पिल वे ये ओपन रहता है,
ठीक है, ओपन मतलब ये डैम के अंदर है, ये 3D, ये 2D में दिख रहा है इसलिए, नहीं तो आप बोलेंगे कि ये गिर क्यों नहीं रहा है नीचे, तो ये अंदर है। ओके, ये होल होता है एक बड़ा सा, ठीक है। तो मैक्सिमम वाटर लेवल जो है वो इसके ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ तक जब वाटर आएगा तो ये जो वे है यहाँ से बह के डाउन स्ट्रीम जाएगा, ठीक है। ये अपस्ट्रीम एरिया है, ये डाउन स्ट्रीम एरिया है। डैम का अपस्ट्रीम कौन सा होगा? जहाँ से वाटर आ रहा है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब जहाँ जा रहा है वाटर, ठीक है। तो रिवर इज स्लोपिंग दिस साइड दैट साइड, ओके। तो दिस इज द वर्क फॉर स्पिल वे, क्या करता है कि जो एक्सेस वाटर है वो फ्लो करके निकाल देता है, नहीं तो ये अगर ये नहीं प्रेजेंट होगा तो क्रश तक वाटर जाएगा और ऊपर से बहने लगेगा, ठीक है। तो ये जो हाइट है वो मतलब पीछे जितना भी एरिया है वो पूरा भर जाएगा, कवर कर जाएगा, इसलिए ये स्पिल वे जो है वो रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो नॉर्मल वाटर लेवल जो है वो यहाँ तक रहता है, अगर एक्सेस बढ़ गया मतलब रेनी सीजन वगैरह ये जो है हमारा मानसून, तो उसमें क्या होता है, ये लेवल बढ़ जाता है और ये पानी नीचे चला जाएगा, इसको बोलते हैं स्पिल वे। स्पिल वे से एक्सेस वाटर फ्लो करके चला जाता है डाउन स्ट्रीम साइड, ओके। तो नॉर्मल और मैक्सिमम लेवल तो पता चल गया, क्रेस्ट हो गया, स्पिल वे हो गया। अब स्लुइस वे, स्लुइस वे क्या है? तो हमें पता है कि ये दिस इज द रिवर, राइट। रिवर इज फ्लोइंग एंड दिस डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस दिस रिवर, ये रिवर फ्लो कर रही है और ऐसे बना है ना, ये दिस इज द अपस्ट्रीम साइड, दिस इज डाउन स्ट्रीम साइड। अब ये हमारा डैम है, तो रिवर ने तो अपने खुद के साथ बहुत सारा मटेरियल ला के रखा होगा, ठीक है। यहाँ से तो सिर्फ पानी जाने के लिए जगह है, तो माउंटेन से बह के आ रही है। हमने जियोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी में देखा था कि बहुत सारा मटेरियल लेके आती है रिवर अपने साथ, ठीक है। स्ट्रीम पावर वगैरह ये सब टर्म जो देखे थे हमने जियोमॉर्फोलॉजी में, ठीक है। तो बहुत सारा वाटर, बहुत सारा मटेरियल लेके आती है, और ये क्या करेगी, जो मटेरियल है सिल्ट साइज का, सबसे ज़्यादा मटेरियल जो होता है वो सिल्ट साइज का होता है, ठीक है। तो सिल्ट साइज का मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा। ये जो है हम एरियल व्यू देख रहे हैं अभी, ठीक है। दिस इज आवर क्रॉस सेक्शन, तो सिल्ट का जो डिपॉजिट है वो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये सब भर जाएगा सिल्ट से, ठीक है। तो एक्सेस का सिल्ट जो है वो ये जो स्लुइस वे है यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए ये स्लुइस वे बनाया गया है। अगर ये नहीं बनाया गया तो पूरा ये डैम जो है वो सिल्ट से कवर करके डैम का वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कम कर देगा, समझ गए। डैम किस लिए बनाया? वाटर स्टोर करने के लिए। अगर सिल्ट का इतना ज़्यादा प्रमाण हो गया कि सिल्ट जो है वो अभी जो जो यहाँ पे जो प्लेस है, स्पेस है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है सिल्ट, ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए ना। हमने बनाया तो था वाटर स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पे अगर सिल्ट स्टोर होने लगा तो वाटर कैसे, कहाँ स्टोर करेंगे हम, सही है ना। तो एक्स्ट्रा का सिल्ट जो है वो इस वे से चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्लुइस वे, ओके। अब यहाँ पे ठीक है, ये फोर्सेस जो है वो लास्ट में देखेंगे हम, ओके। हिल और टो देखेंगे। हिल का मतलब है जहां से अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है, दिस इज डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम के साइड का जो पार्ट है इसका, डैम के बेस में जो अपस्ट्रीम साइड है उसको बोलते हैं हिल, जो जमीन को टच किया है, ठीक है, ये है हिल। और टो कौन सा है? टो मतलब हमारा क्या होता है, अंगूठा पैर का। तो ये यू कैन कंपेयर दिस डायग्राम विथ आवर फुट, ओके। अगर पैर रख दिया तो हील हमारा ये है ना, और टो ये है, ठीक है। तो बस डैम का जो डाउन स्ट्रीम वाला एरिया जो जमीन को टच कर रहा है उसको बोलते हैं टो, ठीक है। तो हील और टो हो गया, ये बेस है। बेस तो पता है कि नीचे जो जमीन को टच कर रहा होगा सब एरिया वो बेस होगा, और बेस अगर स्ट्रांग होगा तो ही ये डैम सेफ है, ओके। कट ऑफ वॉल, कट ऑफ वॉल का काम क्या है कि ये जो है फोर्स ऑफ वाटर, FW इज फोर्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे इतना सारा पानी स्टोर है कि ये सब पानी का जो फोर्स होगा वो उस डैम पे होगा, ठीक है, इसलिए ग्रेविटी डैम मजबूत होना जरूरी है,
क्योंकि वाटर का जो स्ट्रेस है, जो फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसको ग्रेविटी, अब ये देखते हैं कि इसको ग्रेविटी डैम क्यों बोला गया है। ग्रेविटी डैम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ये कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है, तो ये तो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इसका मास होगा, इसका मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा ये, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ वाटर है उसको उसको अपोज करना है ना इसको। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब इस डैम का जो वेट है वो कम होगा, और वो फोर्स ऑफ वाटर का, फोर्स ऑफ वाटर का वेक्टर कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ है, उस साइड है, मतलब डाउनस्ट्रीम जा रहा है। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो डैम पे एक्ट कर रहा है वो अगर फेल कर गया इसको अपोज करने में, तो ये डैम फेल कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल किसका है, तो ग्रेविटी का है। ग्रेविटी जितना ज़्यादा इस डैम पे एक्ट करेगी उतना ज़्यादा ये इसको अपोज करेगा, फोर्स ऑफ वाटर को, और उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा इस डैम का, समझ गए। तो मैं बताया था कि कंक्रीट का बनाते, कंक्रीट का इसलिए बनाते कि इसका मास बढ़ाना है हमें। इसका जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा ये, ठीक है। साथ में अब ग्रेविटी डैम जो है, ठीक है, अब हम ग्रेविटी डैम ही देख रहे हैं, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो ग्रेविटी डैम का ही है। ओके, अब ग्रेविटी डैम जो है वो कौन से साइट पे बनाया जा सकता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी वैली जो है, ठीक है, मैं अभी क्रॉस सेक्शन ही बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम निकालने वाला हूँ अभी, ये क्रॉस सेक्शन ही है। सपोज दिस इज योर वैली, ओके, तो ये वैली है, रिवर आ रही है पीछे से और हमारी तरफ आ रही है, ठीक है। ये थ्री डी नहीं निकाल रहा हूँ मैं, ये सब सपोज दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवर वैली, ओके। तो रिवर वैली का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हमने सपोज डैम बनाया है, ठीक है, ये डैम है, ठीक है। सपोज दिस इज ग्रेविटी डैम। अब ग्रेविटी डैम किस चीज़ पे बनाना चाहिए, इसका वेट हमें पता है कि बहुत ज़्यादा मास चाहिए, ठीक है। सीमेंट कॉन्क्रीट का बनाए, मैसनरी का बनाए, मतलब बड़े बड़े पत्थर नहीं तो सीमेंट, ये दोनों चीज़ का बना है ग्रेविटी डैम। तो ये इसको सहने की ताकत ज़मीन में चाहिए ना। हमने जब देखा था यहाँ पे फाउंडेशन रॉक, ओके, तो ग्रेविटी डैम के लिए फाउंडेशन रॉक शुड बी स्ट्रॉन्ग, ओके। अगर ये जो रॉक है यहाँ पे नीचे ये वाला, इफ दिस रॉक इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ओके, तो क्या होगा, ये ग्रेविटी डैम का वेट जो है वो इससे झेल नहीं पाएगा और ये वहीं पे फेल कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि फाउंडेशन रॉक का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है अगर ग्रेविटी डैम बना रहे हैं हम, ठीक है। और अब बात करते हैं वैली की, ठीक है, ये होता है नैरो वैली, ये होता है ब्रॉड वैली। नैरो वैली में भी बनाया जा सकता है और ब्रॉड वैली में भी बनाया जा सकता है, बस ब्रॉड वैली में अगर बना रहे तो खर्चा ज़्यादा होगा क्योंकि उसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी डैम अगर ब्रॉड वैली में बना रहे तो साइज बढ़ जाएगा उसका, तो खर्चा बढ़ जाएगा उसका, बस यही डिफरेंस है। दोनों जगह बना सकते हैं, लेकिन सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है ग्रेविटी डैम की, कि फाउंडेशन रॉक शुड बी हार्ड। फाउंडेशन रॉक जो है वो हार्ड ही चाहिए, कॉम्पैक्ट चाहिए, वहां पे कोई भी फ्रैक्चर, कोई भी फॉल्ट वगैरह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे जाके क्या हो सकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है ग्रेविटी डैम की वजह, मतलब जहाँ पे हम ग्रेविटी डैम ये कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ओके। और फाउंडेशन रॉक का स्ट्रॉन्ग होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जब जैसे बताया था रॉक, ये जो वाटर है, ये जो फोर्स ऑफ वाटर है और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये दोनों मतलब फोर्स ऑफ वाटर इनडायरेक्टली एक्ट कर रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी डायरेक्टली एक्ट कर रहा है फाउंडेशन रॉक पे। दिस इज आवर फाउंडेशन रॉक एरिया ना, ये सब जो है यहाँ पे ये फाउंडेशन रॉक है। तो फाउंडेशन रॉक अगर स्ट्रांग नहीं है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रहा है ऊपर से वो इसको ब्रेक कर देगा। फोर्स ऑफ वाटर इस डैम पे लग रहा है, ठीक है, वाटर का फोर्स कहाँ लग रहा है, डैम पे, डैम का फोर्स कहाँ लग रहा है, फाउंडेशन पे। तो फाउंडेशन रॉक का स्ट्रांग होना इसीलिए जरूरी है, ठीक है, फॉर
ग्रेविटी डैम। अगर ग्रेविटी डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो फाउंडेशन रॉक शुड बी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। ओके, ये बात जरूरी याद रखना। ओके, अब हम दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे फॉर एग्जाम पर्पज। ओके, एग्जाम में गेट में आपका जो गेट है जीजी जियोलॉजी गेट में आपके जैम में सीएसआईआर में नेट जो है सेट एग्जामिनेशन जो होते हैं ये सब में आ चुका है क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। दो कंडीशन बता रहा हूँ मैं कि डैम्स, अब ग्रेविटी डैम का जो पॉइंट है वो हो चुका है, ठीक है। ये नॉर्मल डैम्स के लिए बता रहा हूँ मैं कि डैम कहाँ बनाया जा सकता है, ठीक है। सपोज दिस इज आवर ग्राउंड, ठीक है, ये कंडीशन वन है, प्लीज पे अटेंशन फॉर दिस कंडीशन टू। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसी से आते हैं। ओके, सपोज दिस इज आवर ग्राउंड, यहाँ पे पेड़ निकाल देता हूँ। ओके, तो हमें पता है कि जमीन के नीचे फोल्डेड टेरेन है ये। ओके, दिस इज आवर फोल्डेड टेरेन, ये भूल जाइए। सपोज हमारे पास यही टोपोग्राफी है, और ये फोल्डेड टेरेन है। ओके, सपोज दिस इज फोल्डेड टेरेन। अब हम देखेंगे कि फोल्ड के अगर दिस इज आवर अपस्ट्रीम साइड एंड दिस इज आवर डाउनस्ट्रीम साइड, दिस इज अपस्ट्रीम साइड, यहाँ पे डैम साइट, कौन सी डैम साइट जो है वो सही रहेगी और कौन सी रॉन्ग रहेगी, तो हमें पता है सॉरी ये जो फोल्डेड टेरेन है, टेरेन मतलब ये बेड वन है, ये बेड टू है, ये बेड थ्री है। ओके, तो हमें पता है कि बेडिंग प्लेन जो होते हैं, दिस इज आवर बेडिंग प्लेन राइट, दिस इज द लाइन विच यू कैन सी ब्लू लाइंस, दिस आर बेडिंग प्लेन्स बिकॉज व्हाट इज बेडिंग प्लेन, द इंटरसेक्शन ऑफ टू बेड्स राइट, दिस इज बेडिंग प्लेन आवर। हमें पता है कि बेडिंग प्लेन्स के अलोंग ग्राउंड वाटर फ्लो होता है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर फ्लो होके ये ग्राउंड वाटर फ्लो होता है बेडिंग प्लेन के अलोंग, ठीक है। स्लोप इधर है इसका, तो यहाँ इस साइड फ्लो होगा, इसका स्लोप इधर है तो इस साइड फ्लो होगा। ओके, तो इसका स्लोप इधर है, इस साइड फ्लो होगा, समझ गए। मतलब मुझे जो कहना है मुझे वो ये है कि ग्राउंड वाटर जो है वो क्रैक्स में बेडिंग प्लेन के अलोंग फ्लो करता है राइट, और जिस साइड स्लोप है उस साइड फ्लो करेगा ये। अब मान लीजिए कि ये डैम यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे डैम बनाए, इज दिस अ सेफ साइड टू मेक डैम। मैं तीन डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, यही कंडीशन यहाँ पे है। ओके, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड आपको पता है, ठीक है, ये अपस्ट्रीम है, ये पानी का लेवल दिखा रहा हूँ मैं बस। ओके, तो इन तीनों में से कौन सा साइट सही है डैम बनाने के लिए और कौन सा जो डैम बनाया वो रॉन्ग है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है दो तीन बार आज तक, ठीक है। अब जो साइट, जो फर्स्ट साइट है ये हमारी, वो रॉन्ग है। अब रीज़न देखते हैं क्यों, ठीक है। ये जो डैम बन चुका है वो एक तो डाउनस्ट्रीम साइड है, मतलब सॉरी फोल्ड के राइट लिम्ब पे है, मतलब जो डाउनस्ट्रीम साइड पे जो लिम्ब है, यहाँ की रिवर के डाउनस्ट्रीम साइड पे जो लिम्ब है उस साइड बनाया गया है, सही है। ये जो डैम है ये हमने अगर ये फोल्ड मान लिया तो लेफ्ट वाली जो लिम्ब है वो अपस्ट्रीम साइड है और राइट वाली जो स्ट्रीम है वो डाउनस्ट्रीम साइड है, ठीक है। अब हमें पता है कि ग्राउंड वाटर जो परकोलेट हो रहा है वो इस केस में यहाँ से इधर फ्लो करेगा, और अगर फाउंडेशन को
फाउंडेशन में अगर कोई डिजॉल्व होने वाला मटेरियल होगा, ठीक है, कोई भी मिनरल जो डिजॉल्व होने वाला है, जो केमिकल वेदरिंग और केमिकल इरोजन से डिजॉल्व होकर निकल जाएगा, तो वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा इस डैम को, ठीक है, ये जो डैम है उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा वो, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग साइड टू मेक अ डैम, ओके। तो ग्राउंड वाटर फ्लो जो है वो मतलब टूवर्ड्स बेसमेंट नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो ये चीज़ है, ये याद रखना चाहिए अगर डैम बनाने जा रहे कोई जियोलॉजिस्ट हो तो। ये सब जियोलॉजिस्ट का काम है कि साइट चेक करके बताना कि इज़ दिस अ प्रॉपर साइट टू मेक अ डैम और नॉट, ठीक है। तो ये जियोलॉजिस्ट का काम होता है। अब ये दो देखते हैं, ये हम यहाँ पे पानी कैसे फ्लो करेगा। यहाँ पे पानी जो है वो इस साइड फ्लो कर रहा है ना, क्योंकि स्लोप इधर है, ये इस साइड करेगा, ठीक है। नाउ फॉर दिस साइड हमें पता है कि ये फ्लो जो है हमारा, मतलब वाटर का जो फ्लो है ये अपस्ट्रीम है, राइट। दिस इज आवर अपस्ट्रीम एंड दिस इज आवर डाउनस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम साइड से अगर पानी जा रहा है, लेकिन ये तो अपोजिट साइड से आ रहा है ना, ठीक है। तो अपस्ट्रीम साइड से इस साइड से फ्लो होके पानी वहाँ पे नीचे परकोलेट नहीं कर रहा है, मतलब फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन रॉक जो है डैम का, वो इससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो पानी है वो कंटिन्यूसली परकोलेट करेगा ना, क्योंकि ये स्टोर, ये यहाँ तो पानी स्टोर हो चुका है हमारा। अगर ये बैक वाटर है तो हमारा यहाँ पानी स्टोर हो चुका है, और ये स्टोर हुआ जो पानी है वो कंटिन्यूसली नीचे परकोलेट करेगा। अगर वहाँ पे कोई उस साइड डिपिंग फ्रैक्चर है, या हमारा जो बेडिंग प्लेन है वो टूवर्ड्स बेसमेंट है, टूवर्ड्स बेसमेंट ऑफ डैम है, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा उसको, उसके बेसमेंट को। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट कंडीशन है, ठीक है। तो डीप इस साइड है, तो ये जो डैम का जो रिजर्वायर का वाटर है वो इसी साइड फ्लो करेगा, ठीक है, वो उस साइड नहीं जाएगा। यहाँ पे रिवर्स कंडीशन है, ये जो पानी है हमारा यहाँ पे स्टोर हुआ है, ये क्योंकि दिस इज आवर बैक साइड, नो बैक वाटर इज दिस, सो ये जो पानी है ये टूवर्ड्स डैम के बेसमेंट फ्लो कर रहा है, और ये बेसमेंट को बर्बाद कर रहा है। अगर बेसमेंट ही गया तो डैम ही गया ना पूरा, हमारा फाउंडेशन ही मेन है, ठीक है। सो दिस इज द रॉन्ग साइड, बट दिस इज राइट साइड, वी कैन मेक डैम हियर, ओके। नाउ दिस वन, ये जो है वो मॉडरेट कंडीशन में, मतलब अगर आपको डैम साइड बनानी है यहाँ पे तो सेफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेफ ये होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे एकदम ऊंचा जगह पे, तो सपोज ये पानी है और यहाँ पे हमारा पानी का फोर्स बेसमेंट पे एक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों साइड डीप है, ठीक है। तो पानी का यहाँ इधर आने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन कुछ जो वाटर है वो यहाँ से सिप भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर पानी को जिस तरफ स्लोप मिलेगा उस तरफ फ्लो करेगा, राइट। तो अगर बहुत ही ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल है और हमें साइट, बेस्ट साइट नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे डैम बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली सेफ साइट, बट इट इज़ सेफर। अगर आपको एग्ज़ाम में ये ऑप्शन दे के ये जो ऑप्शन भी है, तो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग साइट, ओके। दिस इज़ कम्प्लीटली सेफ, मिडल वाला जो था वो कम्प्लीटली सेफ है, क्योंकि मैंने रीज़न जो है वो बता दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को याद रखना, दिस इज़ कंडीशन वन। अब कंडीशन सेकेंड पे आते हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, हमें पता है कि दिस इज़ बैक वाटर, दिस इज़ आवर बैक वाटर, ये पानी का लेवल बताने के लिए सिंबल है, ठीक है। सो यहाँ पे पानी स्टोर हो चुका है और पानी का प्रेशर जो है वो ऐसे है। अब हमें इस साइड में पता है, हाँ ये बेडिंग प्लेन है, ठीक है, ये बेड्स है हमारे और ये बेडिंग प्लेन है। बेडिंग प्लेन का डीप कौन से साइड है, इस साइड है, सही है। अब मैं स्ट्राइक और डीप यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो डीप कहाँ है, इसका जो बेडिंग प्लेन है वो डीप कहाँ, डीप कौन से साइड कर रहा है, मेरे लेफ्ट साइड कर रहा है, ठीक है, मेरे इस साइड कर रहा है, इस साइड जिस तरफ अपस्ट्रीम है, ठीक है, ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है, ओके।
तो अपस्ट्रीम अगर बेड के डीप है, जो फाउंडेशन नीचे है बेसमेंट में, जो जिस पे डैम बनाया गया है उसके नीचे वाले जो बेड है वो अपस्ट्रीम डीप कर रहे हैं, तो ये सेफ है साइट। क्यों? क्योंकि ये सीप कहाँ करेगा, अगर यहाँ से परकोलेट भी कर जाएगा तो इसी साइड आ जाएगा, मतलब ये डैम के बेस को ईजा नहीं कर रहा है, ठीक है। डैम के बेस जो है वो सेफ है इस कंडीशन में। यहाँ से पानी अगर उस साइड चला जाता तो ये डैम के बेसमेंट को डैमेज कर देता। अब ऑपोजिट टू दिस कंडीशन यहाँ पे देखिए, इसका डीप कहाँ है, डाउनस्ट्रीम है, ठीक है। ये डाउनस्ट्रीम साइड है, ये अपस्ट्रीम साइड है फॉर दिस डायग्राम। यहाँ से पानी का प्रेशर फाउंडेशन पे लग रहा है, पानी डायरेक्टली जा रहा है फाउंडेशन की तरफ, ठीक है। ये एरिया अगर डैमेज हो गया केमिकल इरोजन, वो वाटर से कुछ एरिया अगर डैमेज हो गया नीचे, फाउंडेशन को हमें सेफ रखना है, कुछ भी करके फाउंडेशन को सेफ रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फाउंडेशन सेफ है नहीं है ना, तो दिस इज रॉन्ग साइड टू मेक अ डैम, ओके। तो ये दो कंडीशन एग्जाम पर्पज के लिए याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बुटरेस डैम, देन आर्क डैम, एम्बैंकमेंट डैम जो है वो भी देखेंगे, इसको जिसको अर्थ डैम भी बोलते हैं। तो ये तीन टाइप्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस लेक्चर, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू नो प्रेस करना वो रेड वाले बटन को, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना बहुत लोगों के साथ, और अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।